नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अमूमन अपने विपक्ष के नेताओं पर कम ही हमलावर होते हैं, लेकिन अगर वो हमलावर होते हैं तो सीधे तौर पर उनका नाम नहीं लेते। मौका था स्वास्थ्य योजनाओं के शुभारंभ करने का, लेकिन इस मौके पर भी नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, वो भी बिना नाम लिए हुए। जब हम लोग जब काम करते हैं तो हमारा तो आदत नहीं है, हम प्रचार प्रसार में हम कहीं जाते हैं वहीं पर अपनी बात रखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन कुछ लोग आजकल और कोई काम नहीं करता, रहता होता नहीं है कहीं, लोगों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन सीधे सोशल मीडिया पर कुछ आदमी सलाहकार है, अंड बंड उल्टा पुल्टा झूठ अनाप शनाप सब चलता रहता। हम तो अब सबको कहेंगे, इसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपका काम है। अब ये जो काम शुरू कर दिया हम लोगों ने, तो सोशल मीडिया पर भी एक एक बात को आप रखिए, और जब पॉजिटिव बात आएगी तो नई पीढ़ी के लोगों को पॉजिटिव। बीच में जो कोरोना का संकट आया आ गया है, तब से तो कोई जाता नहीं ना था घर के बाहर जी, तो कम उम्र का बच्चा भी मोबाइल पर देखते रहा, तो मोबाइल पर अंड बंड उसको आ जाता है तो उल्टा पुल्टा उसको चला जाएगा। इसलिए सकारात्मक बात भी, कहीं भी कोई काम हो रहा है इस बात को भी इसी के माध्यम से हर किसी को बताना चाहिए। अब उसके बाद तो किसी को आप रोक नहीं सकते, सबको आजादी है, चलो भाई जो बोलना है उल्टा पुल्टा बोलते रहो, उससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं। लेकिन आप लोगों का दायित्व तो है, सिर्फ आप लोगों का स्वास्थ्य का यही नहीं है कि आज जो शुरू कर दिए, हमको तो लगता है एक एक बात बता दीजिए। दरअसल नीतीश कुमार सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर अपने जो अधिकारी थे उन्हें बता रहे थे इस कार्यक्रम में। स्वास्थ्य विभाग के जो भी अधिकारी थे उन्हें ये गाइडलाइन दे रहे थे कि आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करना है। उसी दौरान उन्होंने बिना नाम लिए हुए तेजस्वी यादव के बारे में जिक्र किया। नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल यानी कि 15 साल पहले के शासनकाल के बारे में भी बताया कि आज से 15 साल पहले कैसा था, ये भी स्वास्थ्य विभाग को जरूर बताना चाहिए। 15 साल पहले क्या हाल था, आप तो सब जगह का नक्शा भी है ना जी, तो नक्शा भी चलवा दीजिए कि पहले ये अस्पताल कैसा था, आजकल अस्पताल कैसा, पहले क्या हाल था अब क्या था। एक एक चीज देना नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है। घर से कोई शाम में निकल पाता था बताइए, तो उस समय तो सब लोगों को एहसास हुआ, एक एक चीज का जानकारी हुआ, जो हम लोग शुरू करते थे सब लोगों तक बात पहुंच जाती थी। लेकिन अब जिस तरह का काम शुरू हो गया, इसके लिए जरूरी है कि हम तो नई टेक्नोलॉजी का सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं, और उसी तरह से आप इसके बारे में पूरे लोगों को, हर लोगों को जानकारी भी लोगों को दिया जाए कि या एक जो किस तरह से काम किया जा रहा, तो उसी से लोगों को एहसास भी होगा। आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और लगातार सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर वो सवाल उठाते रहे। इसी को देखते हुए हालांकि नीतीश कुमार अपने विधायकों की क्लास भी लेने वाले हैं, जिसमें वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में बताएंगे, साथ ही बयान कैसे मीडिया में देना है ये भी वो समझाएंगे। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव पर ये हमला कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो कल विधानसभा का बजट सत्र, जब बजट रखा जाएगा, तो उस दौरान वो काफी हंगामेदार होने के आसार हैं, जिसमें तेजस्वी यादव जहां नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, तो वहीं नीतीश सरकार अपने तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ अपना बचाव करते हुए नजर आएगी।